वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में मी आशा का नतीजा सो लास्ट वीडियो के मैंने आपको बताया था कि कॉल्स इन एडवांस क्या होते हैं उसके रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कहा था जिसमें हम लोगों ने कंपनी की बैलेंस शीट भी बनाई थी सो so, आज हम लोग करने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस का ही क्वेश्चन लेकिन ये जो है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा एंड ये क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वर्ष जनरेट ट्वेंटी वन बानी लिमिटेड इशू टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच पे बल थ्री ऑन एप्लीकेशन थ्री ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फोर रुपीज तो so, यहाँ पे लिखा हुआ है बानी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स को इश्यू किया है जिसमें पर शेयर की रुपीस पर इक्विटी शेयर की रुपीस है टेन एप्लीकेशन पे तीन मंगवाया है अलॉटमेंट पे तीन मंगवाया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर चार मंगवाया है ठीक है इसके बाद लिखा हुआ है एप्लीकेशन जो है हम लोगों को थर्टीन थाउजेंड की मिली सो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अब देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को रिफंड करना है या प्रो डेटा करना है एंड डाइट इज मेड इन फुल तो एप्लीकेंट्स डिमांडिंग फाइव और मोर शेयर्स एंड रिफंडेड अमाउंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ द थ्री थाउजेंड शेयर्स यानी कि इसमें से जो थ्री थाउजेंड शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया उनको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा हम लोगों ने क्या कर दिया रिफंड कर दिया ठीक है उसके बाद लिखा हुआ है एक शेयर होल्डर है जिसको हम लोगों ने 200 शेयर्स को अलॉट किए थे उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ उसने जो अलॉटमेंट के साथ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कर दिया सो वन शेयर होल्डर हु हुज अलॉटेड टू हंड्रेड शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद दी अलॉटमेंट मनी ठीक है सो अलॉटमेंट मनी के टाइम पे एक शेयर होल्डर जो टू शेयर्स को होल्ड कर रहा था उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी जो है एडवांस में पे कर दी ठीक है उसके बाद क्या लिखा हुआ है एंड अनदर शेयर होल्डर हु डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी ऑन हिज थ्री हंड्रेड पेड इट विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरा एक शेयर होल्डर है उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे शेयर होल्डर वो ऐसा था कि इसने थ्री हंड्रेड शेयर्स को वो होल्ड कर रहा था और उसने अलॉटमेंट की मनी जो अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं पे की थी वो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे पे कर दी सो दिस इज द केस ऑफ कॉज इन एरियर्स यहाँ पे जनरली क्या होता है ना ऐसा हो लिखा होता है कि इसने इस टाइम पे पे नहीं किया ठीक है हम लोगों ने अभी जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इसने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं की ठीक है लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि यहाँ पे हमारा जो शेयर होल्डर होता है वो अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करता लेकिन वो आगे वाले कुछ कॉल्स होता है उनमें वो जो है पे कर लेता है उस पर्टिकुलर कॉल की मनी ठीक है सो यही वो क्वेश्चन है और यहाँ पर हम लोग अच्छे से देखेंगे कि हम लोगों को इसके अंदर कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी है ओके सो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं जो हम लोग हमेशा ही करते हैं कि बैंक के अंदर हम लोग को कितनी अप्लीकेशन रिसीव हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन थर्टीन थाउजेंड हम लोगों को मिली है ठीक है थर्टीन थाउजेंड एप्लीकेश है एप्लीकेशन की मनी है थ्री रुपीज तो थर्टी नाइन थाउजेंड इधर थर्टी नाइन थाउजेंड इधर सेम मनी को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल के अंदर तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ठीक है सेम थर्टी नाइन थाउजेंड थर्टी नाइन थाउजेंड ठीक है थर्ड शेयर अलॉटमेंट की मनी हम लोगों को अप करनी है सो so, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोगों को पैसा चाहिए था वही थ्री रुपीज़ सो so, टेन थाउजेंड शेयर है थ्री रुपीज़ तो थर्टी थाउजेंड चाहिए हम लोगों को फोर्थ बैंक में पैसा मिलेगा ठीक है अलॉटमेंट के टाइम पे हमारा कौन सा केस चल रहा है हमारा एडवांस का केस चल रहा है ठीक है सो बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है टू शेयर अलॉटमेंट क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है और यहाँ पे हमारा एडवांस है तो वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट तो टू कॉल्स इन एडवांस ठीक है अब यहां पे अगर हम लोगों को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग बीच में कॉल्स इन एरियर्स भी लिखने मैं लिखना भूल गई सो so, यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट ठीक है सो so, यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कितना पैसा नहीं मिल रहा है 300 जो वो होल्ड कर रहा था एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर उसने तीन रुपए अलॉटमेंट के नहीं पे किए तो हमारा कॉल्स कॉलियेगा थ्री हंड्रेड इंटू थ्री नाइन हंड्रेड शेयर अलॉटमेंट में हमको पैसा कितना चाहिए थर्टी थाउजेंड जो हम लोगों ने कॉल डब से ही देख लिया कि हम लोगों को टेन थाउजेंड पे अलॉटमेंट की रुपीज है थ्री तो टेन थाउजेंडू थ्री हम लोगों को थर्टी थाउजेंड अलॉटमेंट के टाइम पे चाहिए ठीक है जिसमें से नाइन हंड्रेड हमको नहीं मिले और यहाँ पे लिखा है कॉल्स कॉल एडवांस यानी कि दो सौ शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया तो फोर रुपीज़ तो टू हंड्रेड टू फोर इज एट हंड्रेड ठीक है सो यहाँ पे आपको ऐड करना है क्रेडिट वाली चीज़ों को और माइनस करना है डेबिट वाली चीज़ों को सो थर्टी थाउजेंड प्लस एट हंड्रेड इज थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड उसमें से आप माइनस कर दोगे नाइन हंड्रेड तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी नाइन नाइन हंड्रेड बैंक के अंदर ठीक है क्या किया पॉलिसी जो हम लोगों को हो रहा था यहाँ पे 300 सौ शेयर जो है होल्ड करा था उसने तीन रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं दिए थे ठीक है so, सो तीन सौ इंटू तीन ठीक है यहाँ पे तो हम लोगों ने एंट्री की है कि हम लोग को पैसा नहीं मिला अब जब एंट्री जो हम लोगों को जो पैसा मिल जाता है उसकी एंट्री हम लोग करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे और जो हम लोगों को पैसा एडवांस मिलता है उसको भी हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे ठीक है क्या कि हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोगों को कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट का हो रहा था उसको हम लोगों ने अलॉटमेंट के टाइम पे डेबिट कर दिया और जो एडवांस हो रहा था उसको हम लोगों ने अलॉटमेंट के टाइम पे डेबिट कर दिया क्रेडिट कर दिया ओके अब यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस है तो हम लोग उस एडवांस को यूज़ करेंगे एडवांस को अगर हम लोगों ने जब मिला था तो उसको हम लोगों ने क्रेडिट किया था अब जब यूज़ करेंगे तो हम लोग उसको क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे ठीक है कॉल्स इन एरियर्स जब हम लोगों को पैसा नहीं मिला था तो हम लोगों ने क्या किया है डेबिट किया है अब जब हम लोग को पैसा मिलेगा तो हमारे कंपनी के अंदर पैसा आएगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे ओके सो फिफ्थ so, में तो सिंपली जैसे हम लोग कॉल करते हैं पहले वो कर देंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू तो शेयर कैपिटल ठीक है पैसा कितना चाहिए टेन थाउजेंड पे फोर रुपीज़ सो फोर्टी थाउजेंड यहाँ भी फोर्टी थाउजेंड ठीक है अभी आते हैं यहाँ पे आते हैं हम लोग बैंक की एंट्री सिक्स ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ठीक है अब यहाँ पे हम लोगों को एडवांस किस चीज का मिला था हम लोगों को एडवांस मिला था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ठीक है तो जब हम लोगों को वो एडवांस मिला था तो हम लोगों ने अलॉटमेंट के टाइम पे इसको कर दिया था क्रेडिट अब हम लोगों को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब हम लोग पैसा ले रहे हैं शेयर होल्डर से तो वो वापस से जिन्होंने हम लोगों को एडवांस में जो पैसा दिया था उससे हम लोग वापस तो मांग नहीं सकते कि हम लोगों को फोर रुपीज़ वापस से दो नहीं मांग सकते ठीक है क्योंकि उसने एडवांस ऑलरेडी दे चुके हैं वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं ठीक है तो अगर हम लोगों को उन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर पूरा टोटल अमाउंट चाहिए तो हम लोगों को इस एडवांस को भी यूज़ करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को है ना जुलाई के टाइम पे हमारे शेयर होल्डर्स से मिलने वाले थे फिफ्टी थाउजेंड ओके अब इसके अंदर हम लोगों को फिफ्टी थाउजेंड जो रुपीज़ है उसमें से मेरे को फाइव थाउजेंड जो है ऑलरेडी एडवांस मिल चुके हैं ठीक है तो मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती कि मेरे को खाली फोर्टी फाइव थाउजेंड ही मिला है no. नो ठीक है तो जब हम लोगों को टाइम आएगा जब हमें हम को है ना सेप्टेम्बर के अंदर जो मनी कलेक्ट करनी है तो उसमें फोर्टी फाइव थाउजेंड भी लिखूंगी जो हम लोगों को करंटली मिले हैं प्लस जो एडवांस ऑलरेडी मिल चुके हैं फाइव थाउजेंड वो भी ऐड करूंगी तो यहाँ पे वही है कि बैंक अकाउंट यानी कि जो करंटली पैसा मिल रहे हैं कॉल करने में एज वेल एज हम लोगों ने जो एडवांस पैसा मंगवाए हैं सो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट ठीक है एडवांस में जो मंगवाए हैं वो भी हम लोग यूज करेंगे वो भी हम लोग मैंशन करेंगे ठीक है और यहाँ पे हम लोग डेबिट इसलिए कर रहे हैं ठीक है क्योंकि क्रेडिट यानी कि हमारे पास जब आ रहा था तब और जब हम लोग उस पैसे को यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे डेबिट कर देंगे सिमिलरली कॉल्स इन एरियर्स के टाइम पे हम लोगों को डेबिट यानी कि नाइन हंड्रेड रुपीज नहीं मिल रहे थे इसलिए हम लोग उसको डेबिट मिल कर रहे अब हम लोग को जब कॉल्स इन एरियर्स जब हम लोग को कॉल्स इन एरियर्स यानी कि जो अलॉटमेंट की जो हम लोगों ने पे नहीं किए थे ठीक है वो अगर हम लोगों को वो फर्स्ट कॉल पे पे कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बिजनेस के अंदर पैसा आएगा ठीक है तो जो चीज़ पहले हम लोग डेबिट कर रहे थे उसको हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे सो टू कॉल्स इन एरियर्स ठीक है तो ये मैंने आपको लॉजिक समझा दी कि हम लोग इसको डेबिट को क्रेडिट क्यों करेंगे क्रेडिट को डेबिट क्यों करेंगे ठीक है अगर आपको सिंपली भी जाना है तो आप क्या कर सकते हो कॉल्स इन एडियर्स यहाँ पे अगर हम लोगों ने डेबिट किया तो यहाँ हो जाएगा क्रेडिट यहाँ पे किया था क्रेडिट तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट ठीक है ये भी एक ट्रिक है बट लॉजिकली जितना अच्छे से करोगे उतना आपके आंसर्स जो है सही आएंगे ओके okay? और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा ठीक है सो जब हम लोग पैसा यूज़ कर लेते हैं एडवांस का पैसा यूज़ कर लेते हैं तो हम लोग उसको कर देते हैं डेबिट और जब हम लोग को कॉल्स इन एडियर्स वाली जो मनी है वो दूसरे कॉल्स में मिल जाती है तो उसको हम लोग कर देते हैं क्रेडिट बस यहाँ पे अमाउंट को अमाउंट लिख देना है एरियर्स का अमाउंट सॉरी एडवांस का अमाउंट था हमारा एट हंड्रेड ठीक है एडियर्स का अमाउंट था हमारा नाइन हंड्रेड पैसा कितना मिलना चाहिए था फोर्टी थाउजेंड फोटी थाउजेंड प्लस नाइन हंड्रेड इज फॉर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे एट हंड्रेड तो यहाँ पे हमारा कितना पैसा देगा थर्टी थाउजेंड सॉरी थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड ठीक है सो so, यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर हम लोग लिख देंगे थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड अगर आप चाहो तो ये जो कॉल्स इन एडवांस की जो मनी आप यूज कर रहे हो उसको आप अलग से भी लिख सकते हो उसकी जर्नल एंट्री अलग भी कर सकते हो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट एट हंड्रेड टू शेयर पर्सन फाइल कॉल अकाउंट एट हंड्रेड ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हो एंड यहाँ पे हम लोग जो है कंबाइंड जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं ओके सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड अगर आपके तो लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरी नेक्स्ट वीडियो को बाय